हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये फ्यूचर का वीडियो है। ये मान के चलिए फ्यूचर मतलब आज से आने वाले 4-5 साल बाद जो ये कंपनीज कर रही हैं, जैसे कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड आपको सामने अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कंपनी ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक नया बिजनेस स्ट्रेटजी लेके आ रही है। क्या वो चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया एक अग्रीमेंट साइन किया है, बहुत बढ़िया एक बिजनेस पार्टनरशिप करी है इस कंपनी ने, उसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये आज की नहीं सोचती, ये अगले आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद की सोचती कि आगे क्या होगा, क्या हमारा बिजनेस चलिए अभी तो चल जाएगा तो आगे आने वाले सालों में किस तरीके से चल पाएगा। वही चीज़ इतनी लंबी सोच रखने वाले टाटा पावर, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। शेयर का प्राइस मात्र 68 रुपये के, 68 से 69 के अराउंड चल रहा है। बहुत बढ़िया। और अगर आप देखें न्यूज़ क्या है, देखिए टाटा पावर और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए इन दोनों ने आपस में साठगांठ कर ली है। किस चीज़ के लिए आपस में पार्टनरशिप करी है, किस चीज़ के लिए, कमर्शियल स्केल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, आगे आने वाले 4-5 सालों में अभी स्टार्टिंग हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अभी स्टार्टिंग हो ही रही है। मतलब अभी ये मान के चलिए 1% व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक नहीं है, आने वाले हैं और अगले 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उनका चार्जिंग स्टेशन किस तरीके से, पेट्रोल अभी भर लेते हो आप पेट्रोल पंप से, तो HPCL के बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उन सब में टाटा पावर दोनों मिल के क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो सिंपल सी बात है, चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी और आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। तो वही चीज़ ये टाटा पावर और HPCL मिल के करने वाले हैं। बहुत बढ़िया ये न्यूज है। तो इलेक्ट्रिक जैसे इनके लिए, अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल जाके भैया 5-10 गाड़ियाँ, 5-10 ट्रक, 5-10 बाइक्स एक साथ चार्ज हो पाए, उस तरीके से जो चीज़ें सेटअप बनाना पड़ेगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो वही चीज़ है। और टाटा पावर, पावर सप्लाई करने के लिए पावर भी चाहिए। अभी तक तो पेट्रोल भरता था, अब देखिए पावर चाहिए, तो उसके लिए टाटा पावर है। टाटा पावर की अपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन मैं इसको कहूँगा आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट के फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन न्यूज़ है ये टाटा पावर HPCL। आप ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ देखिए, टाटा पावर एंड HPCL जॉइंट साइन टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अगर आप देखते हैं गवर्नमेंट भी जोर दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट की, इस सेगमेंट पर हमें और काम करना चाहिए। टाटा पावर HPCL आप ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखिए, मल्टीपल न्यूज़ आप देखिए। चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी शेयर प्राइसिंग क्या है। अभी 248 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है BSE पे और 249 पे NSE पे ट्रेड कर रहा है। एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है टाटा पावर और HPCL का, दोनों को फायदा होने वाला है इस डील से। तो देखिए 18,635 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा पावर का। और अर्निंग पर शेयर देखिए, आप इसका शेयर प्राइस देखिए 68 रुपीज़ का था, अर्निंग पर शेयर देखिए 14 रुपये का। मतलब आप देखिए 14×56 होता है, 14×5=70 होता है, मतलब कि जितना शेयर है तो 20% अर्निंग पर शेयर आप मान के चलिए। बहुत बढ़िया ये शेयर मैं कहूँगा, 70 रुपये का शेयर है, 14 रुपये का अर्निंग पर शेयर, तो आप ये चलिए कि सीधे कितना बढ़िया बेहतरीन, मतलब बस 1/5 है शेयर प्राइस का, 1/5 तो अर्निंग पर शेयर है इसका। बहुत बढ़िया बेहतरीन अर्निंग पर शेयर मैं कहूँगा इस स्टॉक को, ऐसा अर्निंग पर शेयर और इतना नहीं मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया बेहतरीन अर्निंग पर शेयर, वन ऑफ द टॉप अर्निंग पर शेयर कंपनी है टाटा पावर। देखिए पी रेशियो ओनली 4.75, इंडस्ट्री पी जहाँ पे 11.31 है। प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 1.08, क्योंकि बुक वैल्यू भी 64 के अराउंड की है। तो जब ये आपको सस्ते में मिलेगा, थोड़ा और सस्ते में मिल जाएगा, तो आप भर सकते हो इसको। बहुत बढ़िया स्टॉक इसको मानूंगा मैं, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। अब अगर एक नज़र ग्राफ पर डालें तो डिविडेंड देता है टाइम टू टाइम, देखिए अप डाउन चल रहा है और अभी देखिए अपने डाउन पे चल रहा है ये स्टॉक 70 रुपये के अराउंड पे। हिंदुस्तान HPCL का देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, अर्निंग पर शेयर देखिए इसका भी भैया ज़बरदस्त अर्निंग पर शेयर है 47 रुपीज़ का, ये देख के चलिए ये भी बहुत बेहतरीन अर्निंग पर शेयर आप इसको मानोगे। और
प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.48 का है ओनली, और पी रेशियो 5.31 का। दोनों ही कंपनीज अंडर वैल्यूड मान के चलिए आप इनको, इतने कम पी पे ट्रेड कर रही हैं। बुक वैल्यू 167 की है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, और 52 वीक लो 233 का था और 52 वीक हाई 484 का था। तो अभी ये 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है। HPCL पे ग्राफ पे नज़र डालो एक, तो किस तरीके का ग्राफ है, 5 साल पहले 42 का हुआ करता था, 400 का हाई टच करके अभी लो पे चल रहा है, क्योंकि HPCL एंड ऑल पेट्रोल के दाम जैसे ही बढ़ रहे हैं इनके प्राइसेस गिर रहे हैं शेयर प्राइसेस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था ये, क्योंकि इसमें क्या है, इस पार्टनरशिप में दम है। HPCL के मल्टीपल जो है आपके पेट्रोल पंप्स एंड ऑल हैं, टाटा पावर के पास पावर है, दोनों मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। आगे आने वाले 4 से 5 सालों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस पार्टनरशिप का आपको दम तब दिखेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा ज़रूर लगा होगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अच्छी न्यूज़ है टाटा पावर से रिलेटेड, टाटा पावर टॉप वन ऑफ द टॉप अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी, और HPCL तो है ही है टॉप अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।